बच्चों, क्या हालचाल आपके, कैसे हैं आप। आज हम लोग किसी सब्जेक्ट, किसी चैप्टर के बारे में स्टडी नहीं करने वाले। आज हमारा डिस्कशन एक बहुत ही प्यारा प्रोफेशनल कोर्स हमारे इंडिया का CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। जितने सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं या आएंगे, या फिर आप जब इस कोर्स के बारे में सुनते हैं तो क्या क्या सवाल आपके दिमाग में चल सकता है, उन सब के बारे में छोटा सा डिस्कशन करेंगे। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, और ये कोर्स करना है नहीं करना है, क्यों करना है, ये खुद आप अपने बेसिस पे डिसाइड करना। इसमें मेरा, आपके दोस्तों का, आपके रिलेटिव्स का, किसी का भी आपका हाथ नहीं होना चाहिए इस कोर्स के सिलेक्शन में। मैं बस एक छोटा सा आपको सजेशन दे रहा हूँ, एक नॉलेज दे रहा हूँ कि ये कोर्स क्या है और इस कोर्स में क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या चीजें हमें पढ़ना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, CMA को समझाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, मैंने ताकि कोई पॉइंट्स छूट ना जाए, जहां जहां आपके दिमाग में सवाल उठते हैं ये क्या बातें, एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं। CMA कोर्स तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा लेवल है आपका फाउंडेशन का, इंटर का और फाइनल का। इंटर फिर से दो ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप वन ग्रुप टू। फाइनल फिर से दो ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप वन ग्रुप टू आपका। तो ये टोटल जो आपका है, तीन पार्ट में आपका CMA डिसाइडेड है। अगर आपको CMA में एडमिशन लेना है फाउंडेशन कोर्स में पहले स्टेज में, तो आपको एटलीस्ट 10th क्लास पास होना चाहिए। ध्यान सुना मैंने क्या बोला, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका 10th क्लास पास होना चाहिए। 10th क्लास के बाद अगर आप 11th क्लास में हैं, आप 12th क्लास में हैं, आप 12th पास कर चुके हैं, आप बीकॉम कर चुके हैं, कभी भी 10th क्लास के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि इसके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया आपका है वो 10th पास आपको चाहिए। 10th पास, 10वीं क्लास के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एग्जाम जो देना है, एग्जाम जो देना है मेरे बच्चे, यानी कि आप इसका जो पेपर आप अपियर करेंगे, उसके लिए 12th क्लास आपको पास होना चाहिए। यानी कि 12th क्लास अगर आप पास हो चुके हैं तो उसके बाद आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। दो बातें हैं, एडमिशन ले सकते हैं 10th क्लास के बाद, कभी भी आपकी मर्जी, लेकिन एग्जाम देने के लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास है। 12th क्लास आपने कॉमर्स से किया है, साइंस से किया है, आर्ट से किया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इंस्टीट्यूट कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे एग्जाम को दे सकते हैं। सिर्फ कितने परसेंटेज हमारे होने चाहिए 12th क्लास में, मेरे बच्चे कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 12th क्लास में अगर पास हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी आपका स्ट्रीम से है, अगर 12th क्लास आप पास हैं तो उस केस में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, आप इसका एग्जाम दे सकते हैं और एग्जाम देके फिर आगे बढ़ सकते हैं, चाहे कितने भी परसेंटेज आपके मार्क्स हो, है ना। तो ये आपका यहाँ पे कहते हैं, यानी कि 10th क्लास पास और आपका बस पासिंग परसेंटेज आपका होना चाहिए, पासिंग मार्क्स आपके पास होना चाहिए 12th क्लास में, इन 12th क्लास। तो यहां से आप इसमें फाउंडेशन में जा सकते हैं। सर हमें फाउंडेशन में क्या पढ़ना होगा, मेरे बच्चे चार पेपर आपके यहाँ पे हैं। एक तो आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फिर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ लॉ एंड एथिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टेट्स। ये चारों ही बड़े ही प्यारे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, अकाउंटिंग मेनली वही है जो आपने 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। हाँ, कुछ अच्छे चैप्टर्स इसमें एड और हुए हैं, जैसे कंसाइनमेंट है, जैसे कि आपका ज्वाइंट वेंचर है, छोटे छोटे चैप्टर आपके, लेकिन जो 11th 12th क्लास में आपने चैप्टर्स पढ़े भी हैं उनको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, ताकि आप CMA जो इतना बड़ा प्रोफेशन है उसके लायक आप तैयार हों। तो मेरे बच्चे अकाउंटिंग आपने लगभग ऐसा कह दो कि 70-80% आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। अगर आप कॉमर्स से हैं, थोड़ा सा और इसको अपग्रेड करना होगा, आप इसमें जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट, यानी कि जो आप इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट आप 12th क्लास में पढ़े हो वही चीज है। हाँ, यहाँ भी थोड़ा सा अपग्रेडेशन है, क्योंकि जब ये बड़ा कोर्स होगा तो कुछ ना कुछ तो अपग्रेडेशन होगा ही होगा, तो आपके पास यहाँ पे आएगा। लॉ एंड एथिक्स, ये बिल्कुल आपके लिए नया है। लॉ, लीगल कंप्लायंस जो आपके होते हैं, कई तरीके के लॉ होते हैं मेरे बच्चे, तो उनकी तैयारी जो आपको प्रोफेशनल बनने के बाद, CMA क्वालिफाई करने के बाद, जिनको आपको कंप्लायन करना पड़ेगा, जिसको आपको अपने कंपनी में उसको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी जानकारी फाउंडेशन से ही आपको मिलनी शुरू हो जाती है। एंड फोर्थ आपका मैथमेटिक्स एंड स्टेट्स। यहाँ पे मैथ से डरने वाली बात नहीं है, जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के वो तो ठीक ही है, जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं भी है, मेरे बच्चे बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे,
जनरली 10th क्लास बेस मैथमेटिक्स है, 11th 12th क्लास का बहुत सिंपल सिंपल जो मैथमेटिक्स है उसको डाला गया है। और स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा अपने इकोनॉमिक्स में, वो मीन मीडियन मोड आपका निकालना, मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल है। एक और बात, मैथमेटिक्स सीएमए के अंदर में सिर्फ यहीं पर है फाउंडेशन, इसके बाद कहीं भी मैथमेटिक्स नहीं है। तो अगर आपको मैथ्स का फोबिया है, डर है, तो दो बातें आपको बताना चाहता हूं। एक तो बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आपने 10th क्लास तक भी ठीक से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अगर अब आप सीरियस होते हो कि नहीं जी मुझे थोड़ा बहुत पढ़ के अपना सीएमए क्वालिफाई करना है, तो मेरे बच्चे यहां पे कुछ खास परेशानी आपको क्रिएट नहीं होगी। और स्टैट्स तो आपने पढ़ा ही हुआ है, वो तो बहुत ही सिंपल है। तो ये चार पेपर यहां पे फाउंडेशन में निकल के आते हैं। हम लोगों ने फाउंडेशन क्लियर कर लिया, फाउंडेशन यानी कि इन चारों पेपर को सर पास बाद में बात करेंगे, पहले समझ लो कि फाउंडेशन आपने पढ़ा और पास कर गए। तो पास करने के बाद फिर कहां जाएंगे हम, इंटर में। इंटर में मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, अगर इंटर में आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास क्या क्या तरीका है। अगर आप इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक तो अगर आपने सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है यानी कि ये एग्जाम, तो आप इंटर में आ सकते हैं। या फिर ऑब्लिक अगर आपने सीएस फाउंडेशन किया है तो भी इंस्टीट्यूट आपको अलाउ करता है कि कोई बात नहीं, आपने सीएस फाउंडेशन पास किया है, वहां भी मोर और लेस यही चीजें आपने पढ़ा हुआ है, हम आपको डायरेक्टली हम सीएमए इंटर में आपको एडमिशन दे देंगे। ये सीएमए और जो सीएस इंस्टीट्यूट उनके बीच में एक आपका एग्रीमेंट हुआ है, एक आपका टाइप है जो कि आपको जिसका फायदा मिलता है मेरे बच्चे। तो अगर आपने सीएमए फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, आपने सीएस फाउंडेशन क्लियर कर लिया है, या फिर अगर आपने सीए इंटर, सीए का फाउंडेशन नहीं, सीए का इंटर क्वालिफाई कर चुके हैं और फिर आपको लगता है कि यार मुझे सीएमए भी करना है, तो आप यहां पे डायरेक्टली सीएमए के इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे बच्चे आपके पास और भी ऑप्शन है, अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, यानी कि बीकॉम ना कह के मैं कह दूं ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, अगर आपने ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी आपका सब्जेक्ट से किया हो, चाहे वो आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीएमए में एंट्री करूं, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन यहां पे अलाउ किया गया है। आप सीएमए में, मतलब अगर आप सीएमए फाउंडेशन है, सीएस फाउंडेशन है, सीए इंटर क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब वो पास कर चुके हैं, नाउ यू आर फाइनल, और या फिर आप ग्रेजुएट हो, तो उस केस में डायरेक्टली आप इंटर में एडमिशन लोगे, फिर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है ना, आप मेरी बातें समझ रहे हो, मैं क्या बता रहा हूं आपको। ये आपका इंटर का निकल के आया, इंटर का। सर ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, अगेन नो मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर आप ग्रेजुएशन क्लियर कर चुके हो, पास कर चुके हो, ओनली पासिंग परसेंटेज इज रिक्वायर्ड, तो उस केस में फिर आपका यहां पे, मतलब आपका ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में पास लिखा होना चाहिए, फेल तो फिर तो समझ लिया गंदी बात हो जाएगी, तो उस केस में आप यहां पे काम करेंगे सर। और फाइनल में आने के लिए उसमें तो बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब आप इंटर को क्वालिफाई करेंगे यानी कि दोनों ग्रुप को, तो फिर फाइनल में आपका एडमिशन होगा, और फाइनल को कंप्लीट करने के बाद कुछ ट्रेनिंग है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप सीएमए क्वालिफाई कर चुके, आपके पास एक डिग्री आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये नाम जब हमारे साथ जुड़ जाता है ना मेरे बच्चे, तो हमारा वजन जो है ना, वजन जो यहां था वो बढ़ के यहां हो जाता है, सोसाइटी चेंज हो जाती है, लोग हमारे चेंज हो जाते हैं, दोस्त हमारे चेंज हो जाते हैं, कंपनी हमारी चेंज हो जाती है, रिलेटिव हमारे चेंज हो जाते हैं, और हमारी वैल्यू मार्केट में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि मैं क्या बताऊं। तो खैर हम उसके बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, फिलहाल तो कोर्स आप समझ लो, यानी कि हमारे पास फाउंडेशन इंटर फाइनल तीन स्टेजेज हैं। फाउंडेशन में एडमिशन लेने का तरीका मैंने बता दिया, इंटर में बता दिया, फाइनल में आपको बता दिया कैसे कैसे जाएंगे। मैं आपको साथ ही बता चुका हूं मिनिमम परसेंटेज फॉर टेकिंग एडमिशन, नो आपका लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, ओनली पासिंग। हमने क्या बोला जी, अगर सिर्फ आप पास हो, सिर्फ पास हो इसमें, तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये सर इंटर में क्या पढ़ना होगा। चलो फाउंडेशन में आपने कहा कि जनरली 12th क्लास बेस है, तो क्या इंटर भी हमारा 12th क्लास बेस होगा? ना मेरे बच्चे, इंटर में आते आते आप समझो कि एक स्वर्ग में आ जाओगे, मतलब इतनी मस्त मस्त चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपने इंटरेस्ट लेके पढ़ना शुरू किया, तो इंटर में और फाइनल में जो सब्जेक्ट्स होंगे ना, वही कंपनी में आपको अप्लाई करना है। फाइनेंस, सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट करना हमने,
कंपनी के अंदर में जाके उनके जो फाइनेंस है उनका जो पैसा उसको मैनेज करना है। तो कंपनी का पैसा, कंपनी का टैक्स को मैनेज करना, कंपनी के इम्प्लॉय को मैनेज करना, मतलब वी आर इन मैनेजमेंट। इस काम में आने के लिए हमें जितने चीजों की रिक्वायरमेंट होगी नॉलेज की, वो सारे नॉलेज हमें इंटर और फाइनल में मिलते हैं। आओ ना इंटर में पहले बात करते हैं ग्रुप वन, पहला ग्रुप। दो ग्रुप है मैंने पहले बताया था मेरे बच्चे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब आपका अकाउंटेंसी, तरह तरह की अकाउंटिंग आपको सिखाई जाएगी। आपका ज्वाइंट वेंचर का अकाउंटिंग कैसे होगा, ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे होगी, मेरा कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, मैं क्या बताऊं, इतना मजा आता है यहाँ पे अकाउंटिंग में कि बस लगता है कि बस इसी में डूब जाए और कुछ हमें कुछ दिखता नहीं मेरे बच्चे। मैं सच बता रहा हूं, मतलब अकाउंटिंग ये तो मेरा सबसे प्यारा चीज है। मतलब यहाँ पे पूरी अकाउंटेंसी आपको सिखाई जाएगी, आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और आपको मजबूत बनाया जाएगा किसी भी मार्केट में ऐसे लोग जो अकाउंट्स को जानते हैं उनसे कम्पीट करने के लिए। लॉ एंड एथिक्स, जिसका फंडामेंटल यानी कि बेस यहां पे स्टार्ट हुआ था, अब उसको यहां पे आप कॉन्सेप्चुअली और इनडेप्थ आके पढ़ना शुरू करेंगे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी लॉज है, बहुत सारे लॉज होते हैं, उनमें जो जो चीज आपको रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी में जाने के लिए कि कोई सामने वाला बंदा कुछ भी पूछ दे, कोई भी बात हो तो आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, आप उसको प्रॉपर तरीके से कर पाए, वो सारे लीगल कंप्लायंस आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। डायरेक्ट टैक्सेशन, टैक्सेशन इनकम टैक्स, कई तरीके के आपके इनकम होते हैं, आपका हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस से इनकम है, सैलरी से इनकम है, अदर सोर्सेज आपका बहुत तरीके के होते हैं, कैपिटल गेन पता नहीं क्या क्या, वो सारे इनकम से टैक्स का कंप्यूटेशन कैसे होता है, कैसे टैक्स लगेगा, क्या क्या होगा, क्लबिंग कैसे होगा, पता नहीं क्या क्या मस्त मस्त चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी टैक्सेशन के अंदर में। और आपका सबसे मेन जो नाम के साथ जुड़ा हुआ है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट, वो कॉस्टिंग मेरे बच्चे आपको यहां पे सिखाया जाएगा। ये जो मार्कर है इसका प्राइस कितना फिक्स किया जाए, ये कैलकुलेटर जो हो इसका प्राइस मार्केट में कितना हो, कहां कहां कॉस्ट की हमें कमी करनी चाहिए, कहां कहां कॉस्ट हमें बढ़ाने हैं, कहां कॉस्ट की बर्बादी हो रही है, कैसे क्वालिटी को बेस्ट किया जा सके, ये सारी बातें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में सिखाया जाएगा। जरा इमेजिन करो कितना मजा आने वाला इस CMA इंटर ग्रुप वन के अंदर में। लेकिन पता है बदकिस्मती क्या है इस कोर्स की और आपकी, जो आप मेरी बातें सुन रहे हैं, इस कोर्स की बदकिस्मती है कि जब हम इनको पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो यार ओहो अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, ओहो टैक्स पढ़ना पड़ेगा, ओहो कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, ओहो लो, अरे ना ओहो नहीं है, आहा है, आहा, अरे अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, क्या मजा आएगा, क्या टैक्स, चलो हम टैक्स में ये सीखेंगे, लॉ में हम कंप्लायंस सीखेंगे, कॉस्टिंग सीखेंगे जो हमें करना, तब मजा आएगा। रट्टाफिकेशन नहीं, कॉन्सेप्ट में काम करना, ओहो रट्टाफिकेशन है, आहा कॉन्सेप्ट है जिसपे हमें वर्क करना है। आओ ना एक बार जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उस तरीके से समझे कि कैसे काम करेगा। मुझे तो बहुत मजा आया था अपने टाइम पे जब मैं छोटा छोटा बच्चा आपके जैसा था, मैं उस सब्जेक्ट के अंदर ही अपने आप को डाल देता था। अच्छा ये ऐसे काम हो रहा है, ऐसे हो रहा है, प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट पे काम करना, प्रॉपर तरीके से स्टडी करना, प्रॉपर तरीके से बातों को समझना, मजा आता था मुझे। आपको भी वो मजा लेना होगा अगर इस डिग्री को अपने नाम के पहले आप जोड़ना चाहते हो तो। समझ मेरी बात। फिर हमारा ग्रुप टू आ जाएगा, CMA इंटर ग्रुप टू। यहाँ भी इतने मस्त मस्त चीजें हैं कि मैं क्या बताऊं, गनगनाहट आती बॉडी के अंदर में जब इसके बारे में सुनता हूं। ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड ये ऑपरेशन कंपनी के अंदर में जो ऑपरेशन है, प्रोडक्शन है, किस तरीके से काम करता है वो, उसके ऊपर में कंट्रोल करना, वहां पे क्वालिटी कंट्रोल करना, कंपनी का मतलब मैनेजमेंट, जो भी जहां जहां मैनेजमेंट आएगा ऑपरेशन में सब कुछ आ जाता मेरे बच्चे, उन सबको कंट्रोल करना यहां सीखेंगे। स्ट्रेटजी बनाना, नए नए पॉलिसीज बनाना, नए नए तरीके आपका पता करना, वो सब हम आपको यहां सिखाएंगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगेन कॉस्टिंग जो था अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट आ गया, कॉस्ट का एडवांस रूप और मैनेजमेंट, उसको हम मैनेजमेंट में कैसे ऐड करेंगे, बहुत तरीके के डिसीजन मेकिंग होते हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है ना, आपको तो मैनेजमेंट के अंदर जाना है जी, आपको कंपनी को मैनेज करना है, अपनी कंपनी को मैनेज करना है, बड़ी कंपनी को मैनेज करना है, कंपनी को और बड़ा करना है, तो कंपनी को मैनेज करने के लिए जहां जहां आपकी रिक्वायरमेंट है उन सबको आप मैनेज करेंगे, उन सारी चीजों को आपको यहां पे सिखाया जाएगा।
सब कुछ, और फिर आपका आता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, मतलब जीएसटी कह दो, आपका जीएसटी है, कस्टम है फिलहाल अभी आपका, तो जीएसटी दाम आप जानते ही हैं, कस्टम आप जान ही जाएंगे, इनका कंपटीशन कैसे होता है, कैसे रिटर्न फाइलिंग होता है, सारी बातें आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट सिखाता है, एक अच्छा सीएमए आपको बनाता है। और लास्ट में हमारा कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये कंपनी की अकाउंटिंग, कंपनी का प्रॉफिट लॉस कैसे बनेगा, बैलेंस शीट कैसे बनेगा, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का प्रेजेंटेशन कैसे होगा, बहुत सारी बातें हैं कंपनी को। यहां तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मतलब अकाउंटिंग को सिखाना थोड़ा डेप्थ लेवल पे, और वो कंपनीज में कैसे अप्लाई किए जाएंगे उनको यहां, ऑडिट टू चेक। आपके पास जब सीएमए क्वालिफाई कर जाओगे एक पावर आएगा, पावर क्या आएगा जी, कि आप अगर कोई कंपनी ने जो कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट में मेन आपका फील्ड है, मैं उसके बारे में भी और आगे चर्चा करूंगा, किसी आदमी ने प्रॉपर तरीके से कॉस्टिंग किया है, किसी कंपनी ने जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो प्रॉपर कॉस्टिंग किया है कि नहीं किया है, वो गवर्नमेंट तभी मानेगी जब आपका वहां पर स्टैंप लगेगा। जीएसटी का जो रिटर्न फाइलिंग है उसमें आपका जब स्टैंप लगेगा तभी कंपनी गवर्नमेंट मानती है कि हाँ जी ठीक है, वो स्टैंप मारने के लिए जो आपको ऑडिट करना पड़ेगा, उसके अकाउंट्स को पूरा चेक करना पड़ेगा, वो चेक करने का तरीका क्या होगा, वो सारी बातें आपको यहाँ पे सिखाई जाएंगी, क्या पॉलिसीज फॉलो करेंगे, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, जरा इमेजिन करना, जैसे जैसे बोलूंगा, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी पूरे वर्ल्ड में फैले हुई है, ये पूरे वर्ल्ड में जो कंपनीज फैले हुई है इनके अकाउंट्स को आपको ऑडिट करना है, इनके आपका टैक्स को, जीएसटी को ऑडिट करना है, इनका कॉस्टिंग कंप्लायंस को ऑडिट करना है, तो इतने बड़े दूर जो वर्ल्ड में कंपनी फैले हुए हैं उनको हम कैसे ऑडिट करेंगे, कैसे उनका कॉस्टिंग चेक करेंगे, ये सारे तरीके आपको यहां पे बताए जाएंगे, आप सीखेंगे तो यहां पे मजा आएगा, मतलब कुछ भी रटने की बात नहीं है, समझदार है। और मेरे बच्चे यही और एडवांस होते होते कुछ और नई बातें ऐड होके फाइनल में भी दो ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप वन ग्रुप टू, उनके सब्जेक्ट्स के बारे में इसलिए मैंने डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे कि फाइनल में भी आपको अल्टीमेटली क्या करना है, और वहां पे आते आते बच्चा खुद ही मैच्योर हो जाता है, मेरी रिक्वायरमेंट वहां पे खत्म हो जाती है, आप देखेंगे, बट हां वहां भी आपको वही चीज सिखाया जाएगा जो एक कंपनी में आपको प्रॉपर तरीके से बेस्ट बनना होगा, वहां पे भी आपका फिर से टैक्सेशन आएगा, वहां फिर से कॉस्टिंग आपका आएगा, फिर से ऑडिट आपका आएगा, फिर से आपका अकाउंट्स आएगा सीएफआर के नाम से, मतलब बहुत सारी बातें, बट उतना चर्चा क्या करना, अभी जब छोटे बच्चे कोर्स को आप समझ रहे हैं, तो मैंने बताया सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ने होंगे, उसको पढ़ना नहीं होगा, उसको अपने अंदर ढालना होगा, ढालना होगा, तब जाके यहां पे मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आने वाला है, ये हमने आपको बता दी, ठीक है। तो हमने फाउंडेशन का क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इंटर का क्या है, सब कुछ बताया, परसेंटेज तो कुछ भी लेकर आओ, बस पासवर्ड लिखना चाहिए, सब्जेक्ट्स थोड़ा बता ही दिया, कोर्स फीस, सर पैसे कितने लगेंगे, इंस्टीट्यूट कोचिंग फीस की बात नहीं कर रहा मेरे बच्चे, कोचिंग फीस का मतलब होता है कि आप जो उसको पढ़ोगे मतलब कहीं पे भी तो वो कितना फीस लेंगे, वो सर उनकी बात छोड़ के, प्राइवेट जो फीस होगा उसको छोड़ के, इंस्टीट्यूट जो है ICMAI, हमारा जो ICAI उसको मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI जो है वो हमसे कितना फीस चार्ज करेगा वो मैंने आपको बता दिया, फाउंडेशन में 4000 का आपको पेमेंट करना होगा, कुछ घटेगा बढ़ेगा वो अपडेट आपको मिलते रहेंगे, फिलहाल अभी जो चार्जेस है, इंटर यानी कि इंटर में एडमिशन लेने के लिए आपको 20,000, इंटर मतलब ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों मिला के 20,000 पेमेंट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, और फाइनल में आपका 17,000। सर ये ज्यादा है कि कम है? बहुत 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 कम है मेरे बच्चे। एक कोई बच्चा एमबीए करने कहीं जाता है ना किसी आपका इंस्टीट्यूट से, वो 8 लाख 10 लाख 20 लाख पता नहीं कितना कितना चार्ज करते हैं, उससे कई गुना बड़ी डिग्री आपको यहां पे सीएमए मिल रहा, प्रोफेशनल डिग्री है, गवर्नमेंट द्वारा आपका अप्रूव डिग्री आपका है, और इसके लिए लगभग कितने है? मुझे तो दिख रहा है 41,000 आपसे लगभग चार्ज किया जा रहा है, तो ये बहुत कम है। हाँ, इंटर में भी इंस्टॉलमेंट में भी देने के ऑप्शंस आपके हैं, अब उतने डिटेल में तो मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन मैंने अपने साइट पे conceptonlineclasses.com के फ्री डाउनलोड सेक्शन में जाके आप वहां पे इसका पूरा डिटेल आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो बातें समझा रहा हूं और जो नहीं समझा रहा मतलब और भी जो डिटेल्स है वो भी वहां पे आपको मिल जाएगा। क्या बोला हमने? conceptonlineclasses.com साइट पे मेरे जाए, वहां पे डाउनलोड सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे सीएमए के अंदर में आपको दिख जाएगा सीएमए इन डिटेल्स, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी नॉलेज आपको चाहिए वहां सब ले सकते हैं। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई जो आपने कोर्स फीस के बारे में बताया, लेकिन सर क्या कोई ट्रेनिंग भी इसके अंदर है क्या?
यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में चलता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, सीएमए के अंदर भी ट्रेनिंग है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना और बहुत यहाँ पे स्ट्रेटजी आपके दिमाग में होना चाहिए। सीएमए के अंदर में भी ट्रेनिंग है मेरे बच्चे, 3 साल का, 1 2 3 3 साल की ट्रेनिंग है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने ट्रेनिंग को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जनरली यहां पर अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने का है। मैं थोड़ा समझाता हूं कैसे। ये देखो आप, इंस्टीट्यूट कहता है, सुनना ध्यान से, कि अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बढ़े हो तो सीएमए फाउंडेशन पहले पास कर लो। हमने पास कर लिया, फिर वो कहते हैं कि ठीक है, अब आप सीएमए जो आपका इंटर है ना, इंटर का 2 ग्रुप 1 एंड 2, इसको भी पास कर जाओ। हमने पास कर लिया। कहते हैं कि जो फाइनल का आप एग्जाम देंगे, फाइनल में 2 ग्रुप है 1 एंड 2, इसके बीच में यहां पे 6 मंथ्स का ट्रेनिंग जो है वो कंपलसरी है। 6 महीने की ट्रेनिंग आपको करनी ही पड़ेगी। सर ट्रेनिंग कहां करेंगे? आप कहीं भी कर सकते हैं जहां पे आप इन सब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे। जैसे कि कोई कंपनी में आप चले गए, आप किसी सीएमए फर्म में चले गए, तो आप वहां पे जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है। इंस्टीट्यूट भी अपने तरफ से ट्रेनिंग में आपको भेजता है और ट्रेनिंग पीरियड में जनरली 8 से 10 हजार रुपए आपको वो आर्टिकल इंटर्नशिप के रूप में आपको पे करते हैं। जनरली जो कंपनी उनका कॉन्ट्रैक्ट है 8 to 10,000 रुपीज तक मिल जाते हैं, बट इसमें कुछ रखा नहीं है, ये तो ट्रेनिंग का बताया जा रहा है। कमाना तो बहुत कुछ है, बहुत सारे पैसे हमें कमाने हैं, बट फिर भी हमें कहता है कि भैया फाइनल के पहले 6 महीने की ट्रेनिंग मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। इस 6 महीने के बाद फाइनल का एग्जाम आप दे सकते हैं। फाइनल एग्जाम आप पास कर गए, ये पास कर गए, इस पास को करने के बाद बाकी 2.5 साल का आप ट्रेनिंग करो, मतलब टोटल 3 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो मेरे बच्चे, मैं कहता हूं कि जब फाइनल निकल गया ना, अब आप ट्रेनिंग क्यों करोगे? जॉब में जाओ ना, अब जॉब में जाओ और 2.5 साल जो आप जॉब करोगे उसी को ट्रेनिंग के रूप में आप दिखा दो कि हमने ट्रेनिंग किया है। इंस्टीट्यूट अलाउ करता है कि आपने जॉब भी किया तो हम उसको अलाउ कर देंगे। तो जॉब में क्या पैसे मिलते हैं? अच्छा खासा हमने क्वालिफाई कर लिया है, अब उसके बाद क्या होगा जी? आपका 3 साल कंप्लीट हो गया, आपका सर्टिफिकेट आ गया, अब आप आपका जो ऑडिट वाला काम जो है ना, ऑडिट करना, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब जॉब तो फाइनल कंप्लीट करने के बाद भी शुरू कर सकते हो, यहाँ कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं आपका। लेकिन हाँ, जो आपको प्रैक्टिस में जाना है, अपना फर्म अगर खोलना है, सीएमए फर्म, प्रैक्टिस में जाना है, प्रैक्टिस के अभी आगे बताऊंगा, तो आपको फिर 2.5 साल की ट्रेनिंग की आपको रिक्वायरमेंट और होगी। बट जनरली बहुत रेयर केस में देखा गया कि कोई भी प्रोफेशनल बच्चा जब डिग्री कंप्लीट करता है तो वो पहले फर्म खोलता है, वो पहले जॉब में जाता है, वो बाहर का एक्सपोजर लेता है, वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेता है। तो आप लगभग 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद जो फाइनल कंप्लीट हो गया तो आप जॉब में जा सकते हैं। जॉब जो करेंगे हम उसी को ट्रेनिंग ग्रुप में दिखा देंगे, ठीक है ना? तो मतलब हम मेरे हिसाब से यहाँ पे 6 महीने का ट्रेनिंग ही दिख रहा है मुझे, फाइनल कंप्लीट करने के पहले, ये मैंडेटरी है मेरे बच्चे। ट्रेनिंग कहां करेंगे, बहुत सारे लिस्ट है, वो इंस्टीट्यूट के साइट पे या फिर जो मैंने आपको बोला उसमें मैंने वो लिस्ट दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? वही लिखा, 3 साल की ट्रेनिंग तो है, प्रैक्टिकल बट 6 महीने मैंडेटरी है बिफोर अपेयरिंग फॉर फाइनल एग्जाम। सर प्लेसमेंट और पैकेज का बताओ ना, आप छोड़ो पढ़ने पढ़ाने की बात है, क्या पढ़ना क्या नहीं, बताओ पैकेज पैसे कितने मिलेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहले बता दूं प्लेसमेंट की बात, अगर आप सीएमए क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो इंस्टीट्यूट है ICAI, एक्चुअली सीएमए का भी नाम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, तो ICMI कह दो या मैं इसको ICMI ही कहूंगा। तो ये जो ICMI है, ये क्या करता है कि आपका जब डिग्री कंप्लीट होता है तो डिफरेंट जो कंपनीज मार्केट में है, फाइनेंस में, आपका प्रोडक्शन के अंदर में, आपका पब्लिक सेक्टर के अंदर में, आपकी गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी, छोटे सभी कंपनीज को अपने पास आने का ऑफर देते हैं कि आप आइए और हमारे बच्चों को आप लेकर जाइए। वो कंपनीज आती हैं, आपके आपको अपने सामने बैठाती है, आपका इंटरव्यू होता है, आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जवाब देते हैं और कंपनी आपको प्लेस कर लेती है। मतलब अगर आप बहुत अच्छे सीएमए क्वालिफाई किए गए हैं तो फिर आपको मार्केट में यहां वहां दौड़ना नहीं पड़ता है, आपको वहीं से इंस्टीट्यूट से ही प्लेसमेंट हो जाता है। और मजे की बात है कि अगर जिस दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर उसके पहले देखा जाए तो मेरे बच्चे एवरेज पैकेज जो इसका जाता है ना, जो गया है वो 8.8 लाख का गया है। मतलब जो आपका एवरेज पैकेज का मतलब होता है, किसी को 20 लाख 25 लाख 30 लाख भी मिले हैं, किसी को 8 लाख 7 लाख 6 लाख भी मिले हैं, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 9 लाख रुपए तक का पैकेज आपको, पैकेज का मतलब पर एनम पैकेज होता है, एक साल में 9 लाख रुपए तक की सैलरी आपको मिल जाती है इनिशियली। सर ये ज्यादा है कि कम है? मेरे बच्चे ये बहुत अच्छा है।
अगर आप अभी बस पढ़ के निकले हो, आपने अभी कुछ जानते नहीं हो इंडस्ट्री के बारे में, 9 लाख रुपए मिलना ये छोटा चीज नहीं होता। अब आपको फिर क्या करना है कि अब जब जिस कंपनी में जाओगे वहां पे एक्सपोजर गेन करो ना, चीजें सीखो, रियल लाइफ में कैसे काम हो रहा है, प्रैक्टिकली कैसे काम हो रहा है, फिर दूसरी कंपनी में जाओ और पैकेज, तीसरी कंपनी। मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीएमए क्वालिफाई किए हैं और जिन्होंने 6-6, 7-7 लाख रुपए पे जॉब स्टार्ट किया था और आज वो कम से कम 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, इवन 1 करोड़ 20 लाख। एक स्टूडेंट है वो 1 करोड़ 20 लाख पे काम कर रहा है, हाँ वो 8-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद इंडिया से बाहर वो काम कर रहा है। लेकिन आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे ना इस डिग्री के नाम के आने के बाद कि मैं क्या बताऊं। सर लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं होता, कुछ टफ नहीं होता। ये जितने लोग कहते ना कि टफ है या फिर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, या ये सब हारे हुए लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं, ये उस सांप के तरीके से जो हमेशा अपने बिल के अंदर घुसा रहता है मेरे बच्चे, और आपको देख के लगता है कि ये आगे बढ़ रहा है तो डसने के लिए आ जाएगा कि ना ये भी ना आगे बढ़ जाए, ये वो लोग होते हैं। वो कहेंगे कि यार सीएमए तो करने के बाद कोई स्कोप ही नहीं है, इतना टफ डिग्री है कैसे पढ़ोगे। अरे कुछ नहीं होता, स्कोप कैसे नहीं है, स्कोप नहीं है तो फिर आप मुझे 5 ऐसे सीएमए लेकर आओ ना जो कि अभी अनएम्प्लॉयड है, सीएमए कंप्लीट करने के बाद मैं आपको 50,000 दिखा सकता हूं जो कि पता नहीं कहां कहां पहुंचे हुए, कंपनीज को चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं, कंपनी के टॉप पोजीशन में बैठे हुए, एक से एक ऐसे सीएमए आपके हैं। और एक्चुअली मैं बता दूं एक चीज आपको, सीए, सीएमए और सीएस, ये तीन जो डिग्री है ना मेरे बच्चे, ये तीन डिग्री नाम के साथ जोड़ना इसलिए जरूरी है कोई भी एक, ताकि आप कंपनी के टॉप पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर पाए। ये डिग्री बस इतना, अगर आप ग्रेजुएट हो तो कंपनी के टॉप पोजीशन पे अप्लाई भी नहीं कर सकते। आप एक बार जाओ ना इंडस्ट्री में, पता करो ना, आपको सब सच्चाई पता चलेगी। या अपने भैया जो आपके भाभी दोस्त होंगे उनसे पता करो कि क्या वो कंपनी के टॉप पे जा सकते, कंपनी एंटरटेन ही नहीं करेगी अगर उनके पास एक्सेप्शनली कोई दूसरा क्वालिटी नहीं है तो। एक्सेप्शन को अलग करते हैं, कोई स्कोप नहीं है ग्रेजुएशन के बाद आपका टॉप पे जाने का। ये तीन डिग्री में से कोई भी नाम के साथ जुड़ता है तो ना यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द हायर मैनेजमेंट जॉब, आपका टॉप मैनेजमेंट में जाने के लिए। फिर तो वहां पे आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपकी क्या पर्सनालिटी है, क्या लॉजिकल थिंकिंग करते हो, कितने प्रॉपर तरीके से कंपनी के नीड्स को फुलफिल कर पाते हो, उसके हिसाब से पैकेज बनता है। इसलिए जो भी लोग आपको बोलते हैं कि यार ये इसकी डिमांड नहीं है, वो मत पढ़ो, ये इससे अच्छा ये कोर्स कर लो, वो को मत सुनो, उनकी बातें मत सुनो। उनकी बात सुनना यानी कि टाइम को बर्बाद करना, वो सिर्फ और सिर्फ ताक लगा के बैठे हुए कि आपको किसी तरीके से डिग्री से हटा दिया जाए, ताकि आप डिग्री से हट जाए और फिर उनके जैसा आप भी भेड़ चाल में लग जाए। नहीं करना ये काम, सर बहुत पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने कमिट कर लिया कि मैं पर डे 4 घंटे की भी सेल्फ स्टडी करता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेल्फ स्टडी 4 आवर्स की अगर आप करने को तैयार हो जाते हो, तो दुनिया की कोई भी ऐसी डिग्री नहीं है कि जिसको आप निकाल ना पाए, कोई ऐसी डिग्री मेरे बच्चे। लेकिन बदकिस्मती हम 4 घंटे का ही रूटीन मेंटेन नहीं कर पाते, कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कल कल कब आएगा समझ में नहीं आता, एग्जाम आ गया, ओहो अब तो एग्जाम आ गया, टेंशन हो गया, सर दर्द कर रहा है, हाथ कांप रहे, पैर, भगवान प्लीज इस बार ये क्यों ये सब काम करना यार। अगर सच्ची में सपना है कि मुझे डिग्री पाना है, मुझे अपने नाम के साथ इसको जोड़ना है, मुझे अपने लाइफ को चेंज करना है, पूरे फैमिली को चेंज करना है, मम्मी पापा के ख्वाबों को पूरा करना, अपने ख्वाबों को पूरा करना है, तो फिर आप स्टार्टिंग से करो ना मेहनत। 3 साल की मेहनत है, 3 साल ये डिग्री जो है आपका अगर देखा जाए तो टू द मैक्सिमम 3 साल का है, मैं उस 2.5 साल के ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, छोड़ो उसको, ये फाइनल एग्जाम निकालने तक में 3 साल आपका टाइम है। अगर बच्चा 4 घंटे की स्टडी करता ना फाउंडेशन ऑनवर्ड, तो मेरे बच्चे ये डिग्री आपके हाथ में आएगी आएगी। सर फेल हो गया तो क्या बातें करते हो, क्यों फेल हो गए, और हो भी गए तो क्या डिग्री में, अरे प्रेशर झेलना सिखाया जाएगा आपको। जब किसी कंपनी के टॉप पोजीशन पे आप बैठे हुए हो और वहां पे कोई डिसीजन लोगे, कितने प्रेशर आएंगे। तो एक एक फेल होने से या एक बार गिर जाने से क्या मैं कंपनी में रिजाइन कर दूंगा, क्या मैं सीएमए छोड़ दूंगा, ना ऐसा मेरा आदत नहीं है, मैं और उठूंगा और तरीके से काम करूंगा और इस सपने को पूरा करूंगा, ये जज्बा रखना पड़ेगा।
तब डिग्री आती है। और डिग्री क्या मेरे बच्चे, सपने कोई भी हो छोटे बड़े, वो तभी पूरे होते हैं जब आप ये जज्बा लेके चलते हैं। अदरवाइज रोड पे बहुत सारे मुझे दिखते हैं जो कटोरे लेके घूमते हैं, वो ऐसे घूमते चलते हैं आपका, जिनका कोई दिखता भी नहीं है। भीड़ से हटना है तो भीड़ से हटकर एक नए तरीके से काम करना पड़ेगा। और कोई भी अच्छा काम करने जाओगे, 10 लोग आएंगे पीछे से उसको खराब करने के लिए, आपको वहां से हटाने के लिए। उनकी बातें मत सुनना, अपने मन की बात सुनना। डिग्री पाओ, फिर पता चलेगा कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, और क्या पाया और क्या उन्होंने नहीं पाया। खैर, कितनी बातें करता हूं सर। एग्जाम कितनी बार होगा, मतलब क्या ये एग्जाम साल में एक बार होता है, दो बार? मेरे बच्चे दो बार होता है फिलहाल का जो पैटर्न है, जून में और दिसंबर में। यानी कि जैसे मान लो कि आपका सीएमए का आपने यहां पे सपोज कि ग्रुप वन आपने यहां पे जून में दे दिया, तो ग्रुप टू आपका दिसंबर में दे सकते हो, उसके आगे कभी भी दे सकते हो। मतलब साल में दो बार एग्जाम होते हैं, ठीक है ना? तो इस साल में दो बार आपके एग्जाम होंगे। सर एक बात बताओ कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये पासिंग क्राइटेरिया क्या है? हम इन ग्रुप्स में पास कैसे होंगे, कितने मार्क्स लाएंगे, कितने परसेंटेज तो पास? आप हैरान हो जाओगे कि इंस्टीट्यूट पास होने के लिए क्या बोलता है। और फिर भी हम डरते हैं कि यार डिग्री इतनी टफ है। जरा सुनो यहां पे, मैं यहां से समझाऊं आपको पास होने के लिए। जैसे ये देखो, आप पहले फाउंडेशन का समझा दूं, चार पेपर है, एक दो तीन चार, चारों का आपका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का पेपर, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का, मतलब टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 400 का। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 400 में आपका, मतलब सॉरी माफ कीजिए, 100 में से अगर 40 आ गया तो आप ये पेपर पास कर गए। 40 नंबर, 100 में 100 नहीं लाना, 40 नंबर आ गया तो पास कर गए। 40 अगर यहां भी आया तो पास कर गए, 40 यहां भी आया तो पास कर गए, एंड 40, मतलब ईच सब्जेक्ट में आपको 40-40 मार्क्स लाने होते हैं टू पास ऑल द फोर पेपर्स। लेकिन ध्यान रखना, ये जो टोटल होना चाहिए, टोटल आपका ये चारों का मिला के वो 200 का मतलब हो गया 50%। दोबारा सुन लो, 40-40-40-40, 40-40-40-40 आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में लेकर आने हैं, लेकिन एग्रीगेट आपका 50%। मतलब 40 आ गया, यहाँ पे 80 आ गया, यहाँ पे 80 आ गया, 200 या 200 ज्यादा बन गया, पास हो गया। 40-40-40-40 तो चारों में पास तो हो गए, लेकिन अगर हम एग्रीगेट ऐड करते हैं तो वो आपका 160 बना, आप पास नहीं हुए। तो दो क्राइटेरिया आपको 40-40-40-40 तो लाना ही पड़ेगा चारों में, चारों में मिनिमम, लेकिन टोटल आपका 50 यानी कि 200 होना चाहिए आउट ऑफ 400 मार्क्स आपका। अगर मान लो आपने क्या किया, चारों का मिला के यहां पे मार्क्स आ गया सपोज कि 230 चारों का मिला के, तो 50% से ज्यादा हो गया ना, बोलो ना। हाँ हुआ ना, ये सर। लेकिन भगवान ना, यहां नहीं, यहां तो मैं, यहां तो 90 लेते हैं हम लोग अकाउंट से ना। मान लो यहां पे भगवान ना करे कि आपका 39 आ गया, मतलब 40 से कम आ गया, फेल करके। अरे दोनों क्राइटेरिया आपको मेट करना होगा, मतलब 40-40-40-40 इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, और एग्रीगेट आपका कितना जी, 50%, तो आप सीएमए फाउंडेशन आप क्लियर किए हो। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो ठीक है, मैंने यहां पे क्या क्या आपको बना दिया, और मान लो कि आप पास कर गए, फाउंडेशन निकल गया। अब हम आ गए इंटर के अंदर में, इंटर के अंदर में मेरे बच्चे सेम तरीका यहां भी है, इंटर में भी। सुनो मेरी बात, इंटर में भी यहां पे चार पेपर है ना, चार पेपर यहां, चार पेपर यहां, तो यहां भी पेपर चारों 100-100 मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के चार पेपर आपके हैं मिले। तो यहां पे क्या, ये चारों पेपर कितने के जी, 100 मार्क्स वाले, 100 नंबर वाले, ये लीजिए। आपको चारों में मिनिमम जो आपको मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 40-40-40-40, लेकिन अगेन एग्रीगेट यहां पे कितना होना चाहिए जी, 200। अगर 200 से कम हो गया आप फेल कर गए, अगर किसी में 40 से कम हो गया फेल कर गए। तो दो बातें हैं, 40-40-40-40 एटलीस्ट होना चाहिए, और एग्रीगेट आपका 200 यानी कि 50% तो आप पास कर गए। हाँ, ग्रुप टू पे हम आते हैं, सेम चीज, यहां भी आपको 40-40-40-40 लेकर आना है, और एग्रीगेट 200 तो आप पास कर गए, ठीक है ना? सर क्या मैं दोनों ग्रुप एक साथ दे सकता हूं? दे सकते हैं आप।
अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं तो उसके घाटे फायदे क्या है, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको प्लानिंग करने के लिए फ्यूचर का। कई सारे बच्चे दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं, तो दोनों ग्रुप एक साथ देने का फायदा बता रहा हूं। फिर बच्चे अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं 40-40-40-40 और यहां पे भी आपका क्या जी, यहां पे मान लो आ गया क्या ले लो मैं 60-70 मान लो 80 और यहां पे आपका 90 मान लो, जरा ऐड करना कितना हो गया, ऐड करना तो तीन ये हो गया आपका 460 बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ देते हैं ना तो बच्चे अगर देखो तो ये ग्रुप में आपका मार्क्स कितना था 160 और इस ग्रुप में कितना था जी 300, ये चारों मिलाकर कितना हो गया 300। तो अगर देखा जाए ये ग्रुप में मैं फेल था क्योंकि 50% मार्क्स नहीं बना और ये ग्रुप में मैं पास था क्योंकि इंडिविजुअली भी 40 से ज्यादा है और एग्रीगेट भी मतलब 50% से ज्यादा है, तो ये मैं पास था ये फेल था अगर मैं अलग अलग दिया होता। लेकिन अगर दोनों ग्रुप मैंने एक साथ दिया है तो बच्चे ये और ये मिलाकर जो आपका मार्क्स आया है ये टोटल दोनों ग्रुप का मिला के अगर ये 50% से ज्यादा है या 50% है तो आप दोनों ग्रुप पास कर गए, है ना फायदा। हाँ सुना, एक बार दोबारा बताऊं क्या मैं कहता हूं कि भैया 40-40-40-40 आया, यहां पे आपने क्या क्या कुछ और मार्क्स, मतलब कि अगर देखो तो यहां सब में पास हो, इंडिविजुअली 8 के 8 पेपर में पास हो, 8 पेपर्स में पास हो, लेकिन एग्रीगेट यहां पे आपका नहीं बनना था 50%, लेकिन इसमें जो मार्क्स आए उसने क्या क्या दोनों को ऐड करके 50 से ज्यादा कर दिया, मतलब बच्चे दोनों ग्रुप आप पास कर गए, दोनों ग्रुप पास कर गए, समझ मेरी बात। और थोड़ा सुन लो इसके बारे में, मैं कई सारे केसेस बता देता हूं ताकि आप परेशान ना हो। ये देखो आप होता क्या है कि मान लो आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिया और आपने क्या क्या ये चारों पेपर में आपने मिला के ले लिया 190 इन चारों का मिला के, और इन चारों का मिला के आपका जो मार्क्स आ गया वो आ गया 205। पहली बात, चारों में आप 40 या उससे ज्यादा है, 40 या उससे ज्यादा है, इन चारों में भी मतलब पूरे 8 पेपर में इंडिविजुअली आप पास हो, मैं एग्रीगेट के चक्कर में बता रहा हूं, आपने दोनों ग्रुप एक साथ दिया था, सारे पेपर में आप पास हो, 40-40 या उससे ज्यादा है, लेकिन जरा चेक करो 190 और 205 मिलके कितना हो गया 395, यानी कि भैया 50% आपके नहीं बने। अब मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, चेक करो इसमें 50% बना क्या, नहीं बना, ये फेल हो गए, ये ग्रुप पास हो गए, ये पास हो गया, मतलब अब आपको सिर्फ इस ग्रुप को एग्जाम देना है, अब इसका नहीं देना आपने, क्योंकि ये ग्रुप आपका पास हो चुका। मतलब कहने का कि अगर आप इंडिविजुअली ग्रुप वन में पास हो चुके हो या इंडिविजुअली ग्रुप टू में पास हो चुके हो या फिर दोनों मिला के आप 50 बना लिए हो तो भी आपका पास माना जाएगा, जो ग्रुप क्लियर हो गया, मतलब एग्रीगेट जो है वो दोनों को मिलाकर चेक किया जाएगा। एक बार और हो सकता है कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो तो मैं वो भी खत्म कर दूं। मान लो ये चारों पेपर मिला के मेरे बच्चे पहला ग्रुप वाला ये आ गया 208 और ग्रुप टू में पास हो सब में, लेकिन इसका जो एग्रीगेट बना ना वो बना 190 आपका। चेक करो आप, क्या सब में पास हो, यस, पहला क्राइटेरिया मिट। दूसरा, क्या ये ग्रुप निकल गया, हाँ सर 50% से ज्यादा है, निकल गया। क्या ये ग्रुप आपका निकला, नहीं सर 50% से कम बना, नहीं निकला। क्या ये दोनों मिलाकर 50% वो उससे ज्यादा है, नहीं सर नहीं है, अगर होता 50 से ज्यादा तो दोनों निकल जाता, बट क्योंकि 50 से कम आया तो सिर्फ ये ग्रुप पास माना जाएगा, अगली बार आपको इस ग्रुप का एग्जाम देना पड़ेगा। समझे मेरी बात, सर कुछ और भी बात है बट सब एक साथ बताऊंगा फिर परेशान हो जाओगे, तो मैंने ये भी आपको बताया। मुझे पता है कि अब इसकी क्लियरिटी आपके पास आ गई होगी, ज्यादा डिटेल में मैंने वो लिंक में डाल दिया, आप वहां पे स्टडी करेंगे, बातें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने आपको बता दिया भैया एग्जाम तो आपका ये पासिंग क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपका 40% एटलीस्ट और आपका टोटल जो एग्रीगेट होना चाहिए वो आपका 50% एटलीस्ट, तब जाके आप पास करेंगे। सर दोनों ग्रुप एक साथ देना ठीक है कि एक एक ग्रुप करके, मेरे प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से बात सुनना,
मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट में जो अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ गलत एडवाइस करेंगे और आप उसमें फंसोगे। मत फंसना, अपनी कैपेबिलिटी खुद जज करो कि क्या मैं दोनों ग्रुप, यानी कि अगर मैं फाउंडेशन तो छोड़ दो, मेरे इंटर आपका है, क्या 8 पेपर की तैयारी एक साथ करूं या फिर 4 पेपर का 4 पेपर का, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दोनों अलाउ किया। आप चाहो तो ग्रुप 1 पहले दे दो, चाहो तो ग्रुप 2 पहले दे दो, आपकी मर्जी, चाहे तो पहले ये दो चाहे ये दो चाहे दोनों दे दो, आपकी मर्जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फाइनल में तभी जाओगे जब इंटर क्वालिफाई कर लोगे। तो क्या मैं ग्रुप 1 पहले दो, ग्रुप 2 दो, या दोनों साथ में दो? तो मैं कहता हूं, मेरा अपना पर्सनल सजेशन आपके पास है कि अगर आप अभी कंप्लीट ग्रेजुएट नहीं हो, अगर आपने 12th क्लास पास किया है, आप बीकॉम के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ बीकॉम का, तो मेरे प्यारे बच्चे, बेस्ट होता है कि आप एक एक ग्रुप करके निकालो। यहां पे जोश से थोड़ा ही काम करना है, यहां तो स्ट्रेटजी से काम करना। हम कोई मेहनत ऐसा थोड़े कि रोड को हमें बनाना है जी, हमें खेती करना, ऐसा काम नहीं करना यहां पे। यहां तो हमें अपने आप को बनाना है, डिग्री को कंप्लीट करना है, तो स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। जरा इमेजिन करो कि फाउंडेशन पास करने के बाद लगभग हमारे पास 7 से 8 या मैक्सिमम 9 महीने होते हैं, चलो हम 10 महीने भी ले लेते हैं, अगर हम फाउंडेशन से बैठते हैं तो फाउंडेशन के बाद लगभग 10 महीने होते हैं इंटर के एग्जाम को अपीयर करने के। मैं भी डेट पे अभी आऊंगा, बताऊंगा उसके बारे में। तो 10 महीने में क्या 8 पेपर की तैयारी करना ठीक रहेगा कि 4 पेपर का? क्योंकि हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, रट्टाफिकेशन नहीं, हमें उसके अंदर एंट्री करना है, हमें चीजों को समझना है। डिग्री आने के बाद भी अगर हमें जॉब नहीं मिल पाता, इसका मतलब कि हमने सिर्फ रट्टाफिकेशन किया है। अगर हम चीजों को समझे हुए हैं, कंपनी में कैसे अप्लाई होगा, क्या क्या चीजें है, तो फिर तो बच्चे जॉब ना मिले सवाल ही नहीं बनता। मैंने तो आज तक कोई ऐसा सीएमए क्वालिफाइड नहीं देखा जो कि आपका क्वालिफाइड है और अच्छी जगह पर प्लेस्ड नहीं है, मैंने नहीं देखा आज तक। पता नहीं, अगर आपके कोई रिलेटिव होंगे तो आप मुझे बता देना। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहां पे पढ़ना नहीं है, यहां पे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो और जोश में काम नहीं करना कि नहीं जी मैं तो 3 साल की डिग्री है ना, मैं तो 1 साल में सब कुछ कंप्लीट करके दिखा दूंगा, मैं तो दुनिया को दिखा दूंगा, दोस्तों को दिखा दूंगा कि मैं तो 2 साल में पूरा डिग्री निकाल दिया। नहीं करना ये काम मेरे दोस्त, नहीं करना। आप स्टेप बाय स्टेप चलो ना, स्लोली चलो, दूसरा क्या करता छोड़ो। मैं कहता हूं कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो, ग्रेजुएट ना होने का मतलब कि इन चीजों को अभी पूरा पहले से अभी नहीं पढ़े हो, तो एक एक ग्रुप को दीजिए, एक एक ग्रुप को, एक ग्रुप निकालो बहुत अच्छी तरीके से पास हो जाओ, इंश्योर करो, दूसरा ग्रुप निकालो उसको पास करो, फिर आगे फाइनल में जाओ। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, अगर आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट है और बहुत अच्छा आपने अच्छी तरीके से किया हुआ ग्रेजुएशन, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब क्योंकि ग्रेजुएशन में सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते ही पढ़ते हो, फर्क इतना है, ग्रेजुएशन में लेवल ये होता है और सीएमए में लेवल थोड़ा हाई होता है। तो अगर आप यहां तक ऑलरेडी पढ़े हुए, तो यहां तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। तब अगर आप चाहो, अगर चाहो, अगर आपको माइंड अलाउ करता है, अगर आपको टाइम अलाउ करता है, तो आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो। अदरवाइज ऐसा नहीं कि जोश के साथ आज तो भैया मैं तो दोनों ग्रुप का फाइनल भी एक साथ दूंगा, पॉसिबल नहीं है, बट सोचने में क्या जाता है, तो सब कुछ मैं एक साथ दूंगा निकालूंगा, नहीं होता ऐसा काम। आप शांत दिमाग से काम करो, आप स्ट्रेटेजिकली काम करो, स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हुए काम करो, अच्छा लगेगा। तो मेरा पर्सनल एडवाइज है, हम 12th क्लास पास है, फाउंडेशन पास किए, एक ग्रुप को एक देंगे, फिर दूसरे को देंगे, पास करेंगे, फाइनल में जाएंगे। अगर हम ग्रेजुएट है, अच्छे तरीके से हमारा बेस स्ट्रांग है, अच्छे तरीके से अगर है, तब हम दोनों ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन एक एक करें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचो कि अगर आपका 12th क्लास पास हो, 18 साल के आप छोटे छोटे मासूम बच्चे हो, 3 साल 4 साल में डिग्री कंप्लीट होती है, 21-22 साल की एज में आप कंप्लीट कर लोगे, 21-22 साल की एज में जो बच्चा कंप्लीट करेगा सीएमए, आपको नहीं बताया जा सकता अभी फिलहाल कि आपकी क्या मार्केट में वैल्यू होगी। मैं जानता हूं, मैं इंडस्ट्रीज में जाता हूं, मैंने कई सारे आज तक कितने सीएमए बना चुका हूं, मुझे पता है कि कहां पे आपकी वैल्यू क्या क्रिएट होने वाली है। इसलिए पेशेंस वाइज काम कीजिए। इवन आप ग्रेजुएट हो, 21 साल एज है, 3 साल अगर हम प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप भी करें तो 3 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाती है लगभग। तो 21+3 24 साल में भी अगर हम डिग्री निकालते, बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है मेरे बच्चे। दोनों ग्रुप एक साथ देके हौच-पौच होना दिमाग में, फिर एग्जाम के टाइम पे नहीं यार मैं तो एक ही दूंगा या इस बार नहीं अगली बार दूंगा, ये काम क्यों करना, प्लान वे में काम करूं ना। तो मैंने तो बता दिया, आपकी बागी आपकी मर्जी कि अगर मैं आपका 12th क्लास पास हूं यानी कि अंडर ग्रेजुएट, तो मेरे सर का यानी कि आपका एडवाइज है, मतलब मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि भैया एक एक ग्रुप करके निकालिए।
अगर आप ग्रेजुएट हैं अच्छे परसेंटेज के साथ तो बोथ ग्रुप आप जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। कोई कहता है कि पहले ग्रुप टू कर लो फिर ग्रुप वन कर लो, ये भी गलत है। ग्रुप टू में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्रुप वन से लिंक है, पहले हमेशा ग्रुप वन होना चाहिए फिर ग्रुप टू आपका, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने ये भी बता ही दिया आपको एग्जाम कब कब होता है, ये भी बता दिया पासिंग क्राइटेरिया, ये एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा रुक के, ये डेट बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि अगर हमें फाउंडेशन में एग्जाम देना है, फाउंडेशन का एग्जाम देना है जून अटेम्प्ट या दिसंबर, क्योंकि साल में दो बार पेपर होते हैं, तो अगर जून अटेम्प्ट हमें देना है तो एडमिशन कब तक लेना है। अगर मान लीजिए जैसे जून 2020 है, अगर हमें एग्जाम जून 2020 में देना है तो एडमिशन कब हो, कहते बिफोर 31 जनवरी 2020, उस साल का 31 जनवरी के पहले, मतलब 31 तारीख को नहीं उसके पहले 30 तारीख तक एडमिशन आपको ले लेना है मेरे बच्चे। और अगर आपका दिसंबर अटेम्प्ट है यानी कि दिसंबर में आप फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं तो बिफोर 31 जुलाई, मतलब दिसंबर 2020 में मान लो अगर एग्जाम आपका है तो 31 जुलाई 2020, जब तक चेंज ना आ जाए तो ये सब कुछ आपका है, तो आपको ये करना होगा। उसी तरीके से इंटर या फाइनल में भी अगर आप जून अटेम्प्ट का एडमिशन लेना चाहते हैं तो 31 जनवरी के पहले, और दिसंबर तो 31 जुलाई के पहले। ध्यान देना, कई सारे बच्चे ऐसे मैंने देखा हुआ है कि उन्होंने एडमिशन ले लिया टाइम पे, पढ़ना शुरू कर दिया, जोश में इतना पढ़ाई किया कि बस सब कुछ खत्म कर लिया, एग्जाम देने गए और पता चलता कि एग्जाम उनको देने ही नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता कि एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ता है। अरे एडमिशन लेना इज नॉट एवरीथिंग, एडमिशन जब आप लेंगे तो एडमिशन लेने के बाद एग्जाम का फॉर्म, क्या आप एग्जाम देना चाहते हैं? अगर हाँ तो फॉर्म फिल कीजिए और उसका डेट है। अगर आप जून अटेम्प्ट में एग्जाम देना चाहते हैं तो अप टू 10th अप्रैल ऑफ दैट ईयर, मतलब जून 2020 का एग्जाम अगर है तो अप टू 10th अप्रैल 2020, अप टू मतलब 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल को भी आपको फॉर्म फिल करना है। वो एग्जामिनेशन जो इंस्टीट्यूट है वो फॉर्म निकालता है, फटाफट क्या करना है उसको फिल करना है, और ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी चाहे उस तरीके से आप वहां पर जमा कर सकते हैं। सेम दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आपका 10th अक्टूबर है जी, फिर इनका भी सेम आपका है, जून अटेम्प्ट के लिए आपका 10th अप्रैल, और यहाँ पे आपका बट ध्यान करें ये अप टू है और ये बिफोर है आपका, कोई डाउट नहीं सर। सर कितने घंटे पढ़ूं? मैंने कह दिया, मैं तो कहता हूं कि अगर आप डेली 4 घंटे की स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम योर ट्यूशंस, 4 घंटे तो मोर देन एनफ है मेरे बच्चे। कोई सुनने में आता है यार मैं 20 घंटे पढ़ता हूँ, कोई 15 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहता है कि मैं 23 घंटे। एक तो एक जगह गया था मैं सेमिनार के लिए, वो कहता है, एक बच्चे से पूछा कितने घंटे पढ़ना चाहिए सीएमए बनने के लिए, वो कहता है सर 23 आवर्स पढ़ना चाहिए एक दिन में। अरे 24 घंटे में 23 घंटे आदमी पढ़ेगा तो सीएमए बनेगा, वो तो फिर आगरा, एक आगरा में पागल खाना वहां जाएगा, वो सीएमए नहीं बनेगा, वो पागल बनेगा। अरे पढ़ाई 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 जिंदगी सिर्फ पढ़ने के लिए थोड़े ही है, पढ़ने के लिए भी है। आपने कसम खा लिया सीएमए बनूंगा, दिन रात पढ़ूंगा, ओ, अरे नहीं होता, लाइफ भी एंजॉय करना है तब जाके पढ़ाई होती है। सीएमए बनना है, डिग्री कैसे जोड़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, फिर सुसाइड कर लो, आई क्विट, यही होगा। एंजॉय कीजिए पढ़ाई को, एंजॉय करना है मतलब आपके फ्रेंड्स भी होने चाहिए, आपके रिलेटिव्स भी होने चाहिए, मूवी भी होना चाहिए, सॉन्ग्स भी होने चाहिए, खेलकूद भी होना चाहिए, सबके साथ करो ना सीएमए, अरे मजा आएगा। एक ही काम करना है नहीं अच्छा लगता, मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूं, मैं रियली बता रहा हूं, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, और जहां से हमने अपने घर से जब आए थे बच्चे तो हमारे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन था, कुछ घर में नहीं था, कैसे घर चलेगा, मैं कैसे चलूंगा, पढ़ाई कैसे करूंगा, जल्दी से सीएमए बनना है, पढ़ाई 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 करते करते पता चलता था कि एग्जाम के टाइम में हाथ पर कांपने लगते थे, डर, स्टार्टिंग से डर दिमाग में कि यार नहीं सीएमए बना तो फिर क्या होगा, पास नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, दोस्तों ने डरा दिया, ये मतलब कितने सारे डर। अरे नहीं होता, इससे एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। एंजॉय कीजिए डिग्री, पढ़ाई, समय, दोस्त, सब कुछ एंजॉय करो, तब मजा होगा, तब आप डिग्री निकालोगे, तब अच्छे से बनोगे आप। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसा होना चाहिए, आपके भी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पे 10 तरीके के टैटू, यहां टैटू बनाओ, यहां टैटू बनाओ, यहां टैटू, मजा आएगा। अरे ये भी जिंदगी का ही पार्ट है। एक मेरा स्टूडेंट है करण सचदेवा, वो लड़का मतलब उतने लंबे टाइम पे क्या जाऊं, लेकिन जब मैं उसको देखता था तो ये कैसे सीए करेगा, उसने सीए किया
मेरा पहला स्टूडेंट है जिसने सीए क्वालिफाई किया था, बहुत प्यारा बच्चा, वो आज के टाइम पे बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड है वो। तो वो यहाँ टैटू बनवा लू, यहाँ टैटू बनाता था यार, और क्या मस्त तरीके से एंजॉय किया उसने, पढ़ाई भी किया और अच्छी तरीके से क्वालिफाई किया। ऐसे बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और ऐसे बहुत सारे बच्चों के भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो दिन रात पढ़ाई 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 सोचते सोचते बस कुछ नहीं होता। इसलिए एंजॉय करो, 4 घंटे काफी है, और भी जिंदगी में टाइम चाहिए। इतने अच्छे अच्छे मूवीज आ रहे हैं, उनको भी देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी है, बस एंजॉय कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, आपका लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन लेवल लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छा सीएमए बनना है तो। और ये पढ़ के नहीं आता, ये सर्कल से आता है, सोसाइटी से आता है, याद रखना मेरी बात को। तो खैर अभी तो छोटे बच्चे अब सीख रहे हैं सर, कोई बात नहीं। सर ऑडिट राइट क्या है, वो स्टैंप ठप्पा लगाने का राइट अधिकार। मेरे बच्चे किसी भी कंपनी का कॉस्ट को अगर ऑडिट करना है तो वो राइट सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। जीएसटी ऑडिट करना है तो उसका राइट आपके पास है, गवर्नमेंट ने दो राइट आपको दिए हुए कि आपको ही ये करना है और आप ही इसके सर्विस करवाओ। जब तक आप उस अपने स्टैंप नहीं मारोगे कोई बात नहीं मानेगा। कंपनी के अंदर में दो आपका, एक होता है इंटरनल ऑडिटर जो पूरे कंपनी को कंट्रोल करता, चेक करता, सिस्टम काम कर रहा कि नहीं कर रहा, आप वहां पे अपने जॉब ले सकते हो। मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहां पे आप नहीं जा सकते जहां पे वर्ड मैनेजमेंट है। आपको टीचिंग में जाना है, आपको स्कूल्स में जाना है, कॉलेज में जाना है, आप जाओ ना, पढ़ाना शुरू करो, आप तो क्वालिफाइड हो पहले से इस काम के लिए, ठीक है ना। और फिर ये तो सारी बातें मैंने बता दिया, जब क्या बताऊं। एक चीज आपका एग्जाम्पशन को लेकर भी सवाल उठते हैं बच्चों के, सर एग्जाम्पशन कुछ है, और है तो कैसे है, क्या है, बहुत ध्यान से भी बात सुन लेना मेरी। मैं इंटर लेवल में बता रहा हूं, जो इंटर में बता रहा हूं वो या तो इंटर में होगा या फाइनल में होगा, कहीं भी सेम तरीका चलता है, सेम तरीका। सुनो ध्यान से, क्या एग्जाम्पशन का मतलब क्या होता है। आप यहां पे 50 मार्क्स लेकर आए, 58 मार्क्स लेकर आए एंड 40 मार्क्स लेकर आए, बताओ चारों मिला के आपके कितने आए। तो 158, ये हो गया 198। चेक करो, आपने ग्रुप वन का पेपर दिया था और आपके 198 आए, क्या आप पास हो चारों में, ये सर। क्या एग्रीगेट पास हो, नहीं सर, 50% से कम है, फेल हो गए। भगवान ना करे, मैं समझा रहा हूं कि फेल हो, मान लो हो गए, अगली बार दोबारा पेपर देना होगा। लेकिन इंस्टीट्यूट यहां पे एक और आपके लिए बहुत अच्छी बात करता है, पता है क्या वो कहता है, सुनना ध्यान से, कि अगर मान लो आपके अकाउंट्स में 70 आ गए, 50 आ गए, 58 आ गए, और यहां पे मान लो आपके आ गए 40, जरा बताओ चारों में पास हो क्या, बोलते कि हाँ 40 या उससे ज्यादा है, एग्रीगेट कितना हो गया 120 178 178 प्लस आपका 40, एग्रीगेट हो गया 218 218, कितना आ गया 218। क्या पास हो गए, हाँ पास हो गया, मैं पास हो गया तो अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे अगर ऐसा हो जाता है 70 40 40 एंड 40, सर इसमें 70, हाँ ये मेरा है ना, मैं तो श्योर करता हूं कि आपके मार्क्स ये भी छोटे दिखेंगे अगर आप ठीक से जैसे बोलते हो पढ़ाई करोगे, यहां तो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते, बट छोड़ो मैं मुद्दे पा रहा हूं, 190 आ गया, 190 आपका। क्या चारों में पास हो, यस। क्या आपका एग्रीगेट बना, नहीं बना 50% से कम। मेरे बच्चे उस केस में जिस पेपर में भी, ध्यान से मेरी बात सुनना, जिस पेपर में भी आपका मार्क 60 या उससे ज्यादा है, अकाउंटिंग 60 या उससे ज्यादा, वो पेपर अब आपको अगली बार नहीं देना, एग्जेम्प्ट हो गया। मतलब इवन दो आप इस ग्रुप को फेल कर गए, लेकिन अगली बार अगर आपको ग्रुप वन दोबारा देना है तो ये पेपर एग्जेम्प्ट है जी, क्योंकि 60 या उससे ज्यादा मार्क्स है, फिर अब ये तीन पेपर ही अगली बार आपको देना पड़ेगा और तीनों मिला के आपको पास करना पड़ेगा। अगली बार कितना कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, 70 मार्क्स, तो 200 में 70 यहां पे आ गया, बाकी कितना चाहिए 130, तो इस तीन को मिला के अगली बार 130 लेकर आ जाओ, अब पास कर गए। सेम इंटर ग्रुप टू में भी है, जिसमें 60 या उससे ज्यादा है वो पेपर आपका एग्जेम्प्ट हो गया, ठीक है ना बच्चे।
फाइनल में भी सेम क्राइटेरिया आपका है, एग्जेम्प्ट, ठीक है, कोई डाउट नहीं सर। एक और बात सुनना, 70 आया, 40 आया, 40 आया और यहां पे आपका आ गया 39, तो एग्रीगेट जो भी बना, क्या आप पास हो यहां पे? सर यहां पे फेल हो गया। एग्रीगेट 200 से ज्यादा हो चाहे 200 से कम, मतलब नहीं, फेल हो गया ना, ये पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि 60 या उससे ज्यादा है। लेकिन इंडिविजुअली अगर चारों में पास नहीं है तो ये अगली बार जो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा 70 नहीं 50 मार्क्स कैरी किया जाएगा, मतलब एग्जेम्प्ट तो माना जाएगा लेकिन 70 मार्क्स नहीं 50 मार्क्स उसमें माना जाएगा, यानी कि अब बाकी के तीन मिला के 150 लाने होंगे। दोबारा सुनिए, दोबारा, अगर आप चारों में इंडिविजुअली पास हो 40 40 40 40 70, एग्रीगेट नहीं बन पाया तो फेल हो गए, लेकिन ये पेपर अगली बार क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा जिसमें 60 या उससे ज्यादा आया है। अगर बाकी पेपर में पास हो एटलीस्ट, एग्रीगेट नहीं बना कोई बात नहीं, तो ये अगली बार 70 काउंट किया जाएगा, 70। लेकिन मेरे बच्चे अगर यहां पे 39 आ गया तो ये अगली बार 50 काउंट किया जाएगा और बाकी जो बच गया वो बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स लाने पड़ेंगे आपको। ये हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा कहता है अभी के हिसाब से, आगे कुछ चेंज होगा तो हम अपडेट करते रहेंगे, बट फिलहाल आपका ये रूल चलता है। अच्छा सर, ये एग्जम्पशन था, यस, और कुछ है नहीं, लगभग सारी बातें मैंने बता ही दिया है। बीच बीच में ट्रेनिंग उनका एक दिन का, दो दिन का मॉड्यूलर ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर में, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर में, वो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर में ट्रेनिंग करते रहते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी आपके साथ है, इन सब के बारे में क्या ज्यादा चर्चा करना, वो सब मैंने डिटेल आपको वहां पे दे दिया, आप वहां पे डाउनलोड करेंगे सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस मैं ये कहना चाहता हूं, डिग्री बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, बहुत कम लोग अपने नाम के साथ इसको जोड़ पाए हैं और जिन्होंने जोड़ लिया है उन्होंने एक इतिहास रचा है, और आज वो जनरल जो आम जनता उसे हटकर वो है बच्चे, उनकी सोसाइटी भी, उनका सर्कल भी, उनके फ्रेंड्स भी, उनका जीने का तरीका भी सब कुछ डिफरेंट है, तो आप उसकी तरफ दौड़ लगाए, मैं यही चाहता हूं। इसके बाद भी कुछ डिटेल अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना नीचे में, कुछ लगता है कि मैं जवाब दे पाऊंगा, मेरी टीम दे पाएगी, तो फिर वहीं पे हम आपको उसके बारे में बता देंगे। नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप हमारे ऑफिस में भी कॉल करके आप उसका ले सकते हैं, तो मैंने डिटेल आपको दे दिया। आप पढ़ें, आप भविष्य को बनाएं, लाइफ को आगे बढ़ाएं, और आप अपने सारे सपने पूरा करें जिसके लिए आपने इस दुनिया में जन्म लिया है। लोगों की बात मत सुनो, लोग कभी भी आपके बारे में, आपके सामने, आपके पीछे आपके अच्छी बातें नहीं करेंगे ना चाहेंगे, तो आप उनके बारे में क्यों सुनोगे? आप शेर हो, आप शेर के तरीके से आगे बढ़ो। बाय बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे पढ़ने के लिए कुछ अच्छी चीजें। बाय बाय बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।